Gigglebox! Hello, मैं सनी हूँ. ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया. सब्सक्राइब बटन दबाकर आप हमारे चैनल की मदद कर सकते हैं. हमारे सभी वीडियोस और शानदार मर्चेंडाइज के बारे में अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट giggleboxtv पर भी जा सकते हैं. वीडियो का मजा उठाएं. अलविदा. ये है कहानी तीन बिली गोट्स ग्रफ की. एक समय की बात है, तीन बकरे भाई नदी किनारे हरी भरी घाट में रहते थे. अपने अलग शरीर के आकार की वजह से तीनों बकरे अलग नाम से जाने जाते थे. सबसे छोटा बकरा नन्हा, बीच का बकरा मझला और सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली विशाल. तीनों भाई अपने पहाड़ी पर खुशी खुशी रहते थे. वो अपने दिन घास चरने और नदी का ठंडा पानी पीते हुए बिताते थे. लेकिन एक भयानक दिन उन्होंने देखा कि उनकी पहाड़ी पर अब एक भी घास नहीं बची थी. रोते हुए नन्हे ने पूछा, क्या होगा, क्या खाएंगे? घबराओ मत नन्हे, मझले ने उसे समझाया. देखो नदी के पार, उधर स्वादिष्ट हरी भरी घास की चादर से भरा मैदान हमारा इंतजार कर रहा है. बिल्कुल सही, बोला विशाल. बस हमें सिर्फ पुल पार करके नदी के उस पार पहुंचना है, फिर जी भर कर घास खा सकते हैं. खाने की चिंता बिल्कुल दूर हो जाएगी. लेकिन नदी के ऊपर बने हुए पुल को पार करना बहुत खतरनाक था. तीनों भाइयों को पता था कि एक भयानक बदबूदार ट्रोल पुल के नीचे रहता था और उसका सबसे पसंदीदा खाना बकरियों का मांस था. हम तीनों में से पहले कौन पुल पार करेगा, विशाल ने पूछा. नन्हे ने ऐलान किया, मैं पहले पुल को पार करूंगा. उसने एक गहरी सांस ली और पहाड़ से नीचे उतरकर पुल की तरफ बढ़ने लगा. नन्हा अपनी खुरों से क्लिपिटी क्लॉप क्लिपिटी क्लॉप क्लिपिटी क्लॉप की आवाज निकालते हुए पुल पर चढ़ गया. ये कौन दुष्ट है जो मेरे पुल पर क्लिपिटी क्लॉप करके जा रहा है, चिल्लाया ट्रोल. मैं हूँ नन्हा, सबसे छोटे बकरे ने अपनी बहादुर आवाज में कहा. मैं नदी पार करके पुल की दूसरी तरफ घास खाने के लिए जा रहा हूँ. नहीं, बिल्कुल नहीं, दुष्ट ट्रोल ने पुल पर चढ़ते हुए कहा. इससे पहले कि तुम वहाँ पहुँचो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा. ट्रोल की चमड़ी हरे रंग की थी और उसकी नाक लंबी और टेढ़ी थी. उसकी चमड़े पर बड़े बड़े मस्से और उसके मुंह के अंदर नुकीले पीले दांत दिख रहे थे. नन्हा बदबूदार ट्रोल से बहुत घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत और चालाकी से काम लिया और कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे खाना चाहिए. मैं आकार में सबसे छोटा हूँ, आपका पेट नहीं भरेगा. अगर जो आप थोड़ी देर और इंतजार करेंगे, मेरा भरा भाई मछला इस पुल से गुजरेगा. उसका आकार मुझसे काफी बड़ा है. ट्रोल ने भुनभुनाकर कहा, ठीक है, तुम पुल पार कर सकते हो. अपने खुरों से क्लिपिटी क्लॉप की आवाज निकालते हुए नन्हा पुल पार कर हरे भरे मैदान में पहुंच गया. नदी के उस पार से बाकी दो भाइयों ने देखा कि उनका छोटा भाई नन्हा पुल पार करने में सफल रहा. अब मेरी बारी, कहते हुए मझला पुल पर चढ़ गया. क्लिपिटी क्लॉप क्लिपिटी क्लॉप क्लिपिटी क्लॉप सुनकर ट्रोल वापस चिल्लाया, ये कौन दुष्ट है जो मेरे पुल पर क्लिपिटी क्लॉप करके जा रहा है? मैं हूँ मझाला, मैं नदी के उस पार वाले हरे भरे मैदान में अपने भाई के पास जाना चाहता हूँ. बदबूदार ट्रोल पुल के ऊपर अब दूसरी बार चढ़ा और चीखा, नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे पहले कि तुम वहाँ पहुँचो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा. ये सुनकर मझला डर गया, लेकिन वो भी अपने छोटे भाई की तरह बहादुर और चालाक था. उसने जल्दी सोचकर ट्रोल से कहा, आप मुझे जरूर खा सकते हैं, पर थोड़ी ही देर में मेरा बड़ा भाई इस पुल से गुजरेगा. वो सबसे अच्छा भोजन होगा, क्योंकि वो बहुत हट्टा कट्टा है और आपका पेट उससे भर जाएगा. लालची ट्रोल ने भुनभुनाकर कहा, ठीक है, तुम पुल पार कर सकते हो. मझला भी अपने खुरों से क्लिपिटी क्लॉप की आवाज निकालते हुए हंसते हंसते पुल के पार हरे भरे मैदान में अपने छोटे भाई के पास पहुंच गया. पहाड़ी से विशाल ने तसल्ली से देखा कि उसके दोनों भाई
पुल पार करके मैदान में सुरक्षित पहुंच गए हैं। फिर वो भी पुल की ओर रवाना हो गया। क्लिपिटी क्लॉप क्लिपिटी क्लॉप क्लिपिटी क्लॉप की आवाज अपने खुरों से निकालकर पुल पर पहुंच गया। ये कौन दुष्ट है जो मेरे पुल पर क्लिपिटी क्लॉप करके जा रहा है? ट्रोल ने वापस पूछा। मैं हूँ विशाल। मैं अपने भाइयों के पास नदी के उस पार वाली हरियाली से भरे मैदान में जा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम भोजन बनोगे। नीच ट्रोल पुल पर चढ़ते हुए गरजा, लेकिन नन्हे और मझले की तरह विशाल ट्रोल को देखकर बिल्कुल नहीं डरा। विशाल ने अपने खुर पुल पर पटके। वो अपनी बड़ी नुकीले सींगों से ट्रोल को निशाना बनाते हुए उसकी ओर भागा। धड़ाम! विशाल ने ट्रोल को जोर से टक्कर मारकर पुल से नीचे गिरा दिया। भयानक, बदसूरत और बदबूदार ट्रोल नदी में गिर गया। जल्द ही विशाल पुल पार कर हरे भरे मैदान में अपने भाई नन्हे और मझले के पास पहुंच गया। तीनों बकरे भाइयों ने अपने बाकी के दिन खुशी खुशी हरी घास चरने और नदी का ठंडा पानी पीने में गुजारे। बदसूरत ट्रोल फिर कभी नहीं दिखाई दिया। दी एंड। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें। ये करके आप हमारे नए वीडियोस के बारे में अपडेटेड रह सकते हैं। अलविदा।